जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है या जब उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, जब बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, तो हस्बैंड और उसके घर वालों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर मेंटेनेंस कितनी देनी होगी, या फिर अगर डिवोर्स हो जाता है और हमें एक एलिमोनी यानी जब हम एक मुफ्त राशि कहते हैं वो कितनी देनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वाइफ को 2 करोड़ रुपए देंगे एक मुफ्त राशि। अब ये अमाउंट सुनकर तो आप चौंक गए होंगे, क्या इतनी ज़्यादा रकम अपनी वाइफ को देनी पड़ती है डिवोर्स होने पे? या ऐसा क्या तरीका है जिससे हम वो अमाउंट कम कर सकते हैं, या वो कौन से फैक्टर हैं जिनको देख के कोर्ट फाइनली एलिमोनी डिसाइड करती है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें सारी बातों को डिटेल में डिस्कस किया है। हमने आज एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहां हम आपको बताएंगे उस जजमेंट के बारे में, आपको बताएंगे मेंटेनेंस के कानून के बारे में, और आपको बताएंगे कि किन फैक्टर्स पे ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना क्वांटम ऑफ कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके सारे अधिकारों से। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो मेरी टीम से आप घर बैठे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक बटन दबा दीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है, किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश पटेल 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में 2015 में इनकी शादी होती है, शादी होने के एक साल के अंदर ही इनके आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं। डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइफ फिक्स है, 498A की FIR दर्ज कराती है जो कहता है कि अगर किसी पति ने या उसके घरवाले ने दहेज को लेकर परेशान किया है तो वो 498A की FIR दर्ज होती है, इस केस में भी दर्ज हो जाती है। साथ ही साथ वाइफ एक और चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डालती है जो होता है सेक्शन 12 और सेक्शन 23 में, इस केस में भी यही हुआ, 498A की FIR भी कराई, सेक्शन 12 और 23 की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स भी चालू कर दी। ट्रायल कोर्ट ने यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही थी उसमें हस्बैंड को डायरेक्शन दिया गया कि आपको ये एक्स अमाउंट अपनी वाइफ को एज ए मेंटेनेंस देना है, वो मेंटेनेंस हस्बैंड ने पे नहीं करी। हस्बैंड ने जब मेंटेनेंस पे नहीं करी तो अल्टीमेटली वो वाइफ पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि मुझे तो किसी भी तरह का कंपनसेशन दिलाया नहीं जा रहा, इनफैक्ट कोर्ट का ऑर्डर है फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें कि उनके बैंक अकाउंट को आप सीज कर लें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने वो अकाउंट तो हस्बैंड के सीज नहीं किए, लेकिन हाँ ये बोल दिया कि 20% ऑफ कंपनसेशन अमाउंट हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना होगा। अब इस दोनों ऑर्डर से एग्रीव्ड होके फाइनली दोनों पार्टी पहुँचती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का पास ये मुद्दा है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को कितना मेंटेनेंस देना होगा, क्या जो ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया है वो सही है, उसको ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना था कि जब पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, शादी के एक साल के अंदर ही इनके आपस में इतनी खींचतान हो गई है और 2015 की शादी और आज हम 2024 में हैं, तो क्या वास्तव में कोई पर्पस सर्व होगा इनकी शादी को बरकरार रखने में? इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए होंगे, लेकिन अब जो यहां से डिस्कशन शुरू हो रहा है वो आप दर्शकों के लिए बहुत काम का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कई सारी अपने कॉन्सेप्ट्स को बताया और ये भी बताया किन फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बात करी इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे, जो ये कहता है कि अगर पति पत्नी में कई सालों से आपस में नहीं बन रही है, कितना भी कर लो उनके बीच में हमें लगता है कि कंसीलिएशन यानी मध्यस्थता नहीं होनी है, तो अल्टीमेटली डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि 9 साल तो हो गए हैं, आपके आपस में इतने सारे केसेज हैं, हमें लगता नहीं है कि कोई आपस में आपकी कुछ बैठेगी, तो हम एक काम करते हैं, हम आपको इसमें डिवोर्स ग्रांट ही कर देते हैं। अब यहीं से सेकेंड इशू शुरू हुआ, जब डिवोर्स ग्रांट कर दिया तो मेंटेनेंस का तो इशू खत्म, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस होती है जब अगर डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो मेंटेनेंस होता है कि पर मंथ आपको अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को कितना देना है। अब यहाँ पे क्योंकि कोर्ट ने फाइनली डिवोर्स ग्रांट कर दिया तो अब मेंटेनेंस की बात तो खत्म हो गई, लेकिन जब डिवोर्स ग्रांट होता है तो एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उसे कहते हैं एलिमोनी। एलिमोनी यानी एक मुफ्त राशि। आपने सुना होगा कि जब पति पत्नी अलग होते हैं तो हम सुनते हैं कि हस्बैंड ने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, 50 लाख दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें यहाँ डिस्कस करना होगा कि वो अमाउंट किस हिसाब से डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कई सारे जजमेंट्स में ये बातें बता रखी है, लेकिन हमने एक रजनीश वर्सेस नेहा नाम का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। दोस्तों रजनीश वर्सेस नेहा एक वो जजमेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि अगर आप कोई भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रहे हैं या कोई भी आप किसी भी तरह का मासिक भत्ता मांग रहे हैं तो आपको एफिडेविट देना होगा। शायद आपको जजमेंट याद होगा, हमने इस पर कई सारे वीडियोज़ भी बनाए थे।
तो उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक 8-10 फैक्टर्स दिए थे जिसको कंसिडर करके ट्रायल कोर्ट को डिसाइड करना है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को कितनी एलिमोनी देनी है। अब हम उन फैक्टर्स को जान लेते हैं, उन फैक्टर्स को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स पर डिसाइड होगा कि आपको अपनी वाइफ को कितना पैसा देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है पार्टीज का सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब आपकी समाज में क्या रिस्पेक्ट है, आप किस ओहदे पर हैं। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि आपकी वाइफ या अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी रीजनेबल नीड्स क्या हैं, या आप वर्ड ध्यान रखना रीजनेबल, ना कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तीसरा, आपको ये भी देखना है कि क्वालिफिकेशन क्या है, या आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, कोई आप हायर लेवल पे हैं या लोअर लेवल पे हैं। फोर्थ, आपको ये भी देखना है कि ऐसा कोई आपके पास सोर्स है, कोई एसेट्स हैं, या आपकी कोई इंडिपेंडेंट इनकम है क्या। अगर सपोज आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपकी वाइफ की कोई इंडिपेंडेंट इनकम है या उसके पास असेट्स हैं, तो ये फैक्टर बहुत काम आता है और आप उससे उसकी जो मेंटेनेंस है उसका क्वांटम कम करा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट ये भी देखती है कि जब शादी हुई तब उन दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर हस्बैंड बहुत ही रईस की तरह रहे और वाइफ ना रहे, तो कोर्ट को वो भी देखना होता है। सिक्स्थ, ये भी देखना होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक इमोशनल पॉइंट आप कह सकते हैं, कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या सेक्रीफाइस किया। जनरली जब भी वाइफ शादी करके आती है तो वो अपनी पुरानी जॉब छोड़ देती है कई बार परिवार को संभालने के लिए, तो कोर्ट ये भी देखती है कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया है। सातवां, कि अगर जो वर्किंग वाइफ नहीं है उसको लिटिगेशन की कॉस्ट यानी वकीलों की कितनी फीस देनी पड़ रही है। और आठवां, आपको फाइनली तो देखना ही है कि हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, उसकी इनकम क्या है और उसकी ऑब्लिगेशन क्या है और उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है। तो ये जो 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट पे कोर्ट डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली क्वांटम क्या देना है। तो अगर आप इन 8 पॉइंट को सिंपल भाषा में कहो तो बेसिकली हस्बैंड कितना कमाता है, उसके कितने खर्चे हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, वाइफ क्या कमाती है या नहीं कमाती है, दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वाइफ जो भी अमाउंट मांगे वो आपको देना पड़े। तो आपको इन 8 फैक्टर्स पे काम करना है। जब भी सपोज आपको लगता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ गया है, इन 8 पॉइंट्स पे आप काम करिए और आप कोर्ट को ये बताइए कि कैसे आप उन 8 पॉइंट्स में फिट बैठते हैं और आपकी इनकम कम है या आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, या फिर आपकी वाइफ कमाती है और वाइफ के पास खुद के पास भी कोई ना कोई एसेट्स है। फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ट्राई करते हैं वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लें, या एफडी करते हैं तो जॉइंट एफडी कर लें। अब डिस्प्यूट हो गया तो वो प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे ही रहेगी, एफडी तो उसके नाम पे रहेगी। तो ये फैक्टर भी आप कोर्ट में दिखा सकते हो क्योंकि ये आपका काम आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप सही से काम करें तो आई एम श्योर आपका क्वांटम ऑफ जो कंपनसेशन है मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाएगा। अब रही बात इस केस की, तो इस केस में ये जो हस्बैंड थे वो कोई बहुत ही मल्टीनेशनल बड़ी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी 8 लाख पर मंथ सैलरी थी। हालांकि जो वाइफ है वो भी एक ग्रुप की एचआर हेड थी और उनकी 1.5 लाख सैलरी थी। तो कोर्ट ने बोला क्योंकि अब एक कोई पर्सन 8 लाख महीने कमा रहा है, यानी मोटा मोटी हम बात करें तो साल का 1 करोड़ कमा रहा है, तो हमें लगता है कि अच्छा कंपनसेशन उनको देना चाहिए। वाइफ ने डिमांड करी कि सर मुझे कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपये दिलाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 से 7 करोड़ तो नहीं बनता है, हम ये डायरेक्शन देते हैं कि आप 2 करोड़ रुपये हस्बैंड को बोला कि आप वाइफ को दें तो हम आपको डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस केस में आपने जाना कि डिवोर्स ग्रांट करा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ उन फैक्टर्स को डिसाइड किया जो रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 8 फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल डिसाइडिंग द क्वांटम, और उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये ग्रांट करवाए। बात 2 करोड़ या उसकी नहीं है, बात यह है कि आप अपने केस में कैसे उन फैक्टर्स से काम कर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं ना कि किसी भी गेम को खेलने से पहले उस गेम के रूल्स को पता कर लो ताकि आप उस गेम में गोल्ड मेडल जीत जाओ। उसी तरह ये भी कोई गेम से कम नहीं है आजकल मैट्रिमोनियल लिटिगेशन। कोर्टों में लंबी लंबी लिटिगेशन चलती है, तो उन लिटिगेशन को समझने के लिए पहले आप इन 8 फैक्टर्स को जान लीजिए, इन पॉइंट्स को जान लीजिए ताकि आप अपने केस को मजबूती से लड़ सकें। और हाँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, और आपको कोई ओपिनियन चाहिए नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, कोई और आपको बात पूछनी है तो कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।